जीवन काल है आपका पत्रकारिता में मुंबई में गुजरा है, आप यहाँ के निर्माण से लेकर स्थापना से लेकर और आज तक के विकास दोनों पहलुओं को आप अपनी नज़र से देखते आए हैं। गंभीर पत्रकारिता के जरिए प्रकल्पग्रस्तों की समस्याएं हो और सीडकों की भूमिका हो, दोनों को आपने निष्पक्ष भाव से देखा है। और आज हम इस लाइव सेशन में हम सर आपका स्वागत करते हुए हम यही आपसे आग्रह करते हैं कि आप उस भूमिका को जो हमारे दर्शक हैं उनके सामने आप स्पष्ट करें कि वाकई जो सिडको की स्थापना हुई थी 51 साल पहले, मकसद ये था एक बेहतरीन शहर बसाया जाए, मुंबई की भीड़ कम हो और जो यहाँ के प्रकल्पग्रस्त हैं जिनसे ज़मीनें ली गई उनका समुचित पुनर्वसन हो, उनका भी उत्थान हो। लेकिन कहीं ना कहीं सिडको इसमें पूरी तरह से सफल नहीं दिख रही है और शायद यही वजह है कि आज प्रकल्पग्रस्तों ने काला दिवस आज आंदोलन आज जारी रखा हुआ है। मैं आपसे यही जानना चाहता हूं कि क्या ऐसा दिन आ गया कि एक समय ऐसा था कि जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको भगाने के लिए कहा जा रहा था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, आज सिडको के बारे में इस तरह की आवाज़ उठने लगी कि सिडको अब मुंबई से चले जाओ। एक वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर आपने अपने नज़रिए से जो देखा है मुंबई को, यहाँ की जो समस्याओं को देखा है प्रकल्पग्रस्तों के, यहाँ के विकास को देखा आपने और सिडको की जो भूमिका को देखी आपने, मैं चाहूँगा सर आप हमारे दर्शकों के साथ उसे शेयर करें और बताएं कि वाकई ये समस्याओं की जड़ कहाँ और इसका समाधान कहाँ है। सुधीर जी, सबसे पहले धन्यवाद। आज का बहुत ही अच्छा एक ऐतिहासिक दिन है कि सिडको का 51वां जन्मदिन है। तो सबसे पहले सिडको के अधिकारी, सिडको के स्टाफ और सिडको के तमाम सिडको से जुड़े हुए कॉन्ट्रैक्टर सभी लोगों को आज का दिन एक शुभ दिवस का मैं ये देता हूं उनको, वेरी हैप्पी बर्थडे टू सिडको। लेकिन ये जो आज का जो प्रकल्पग्रस्त काला दिन जो मना रहे हैं, इसकी भूमिका मूल प्लानिंग से, नियोजन से, सिडको नियोजन से ही शुरू होती है। जब सिडको नॉर्मली क्या होता है, अगर एक पुराना बिल्डिंग तोड़ना हो तो उसमें रहने वाले पहले उनका बंदोबस्त किया जाता है। यस, एक ट्रांजिट कैंप बोलो या अलग अल्टरनेटिव अरेंजमेंट, और उसके बाद वो बिल्डिंग तोड़ के नया बनाया जाता है। यस, लेकिन नवी मुंबई के नियोजन में जमीन पूरा इनका लेके सिडको का उस टाइम का जो पूरा नजरिया ऐसा था कि एक नया शहर बसाने का, लेकिन जो मूल गांव, जो गांवटन गांव जो था, उसके तरफ इन्होंने बिल्कुल नजर नहीं मारी। अच्छा, ध्यान ही नहीं दिया उसका। वो गांव को जैसे का जैसा था वैसे रहने दिया। ये नियोजन का बहुत बड़ा फेलियर, बहुत बड़ा फेलियर। यस, मैं तो इसको ब्यूरोक्रेटिक ब्लंडर समझूंगा। अच्छा, एक ब्यूरोक्रेटिक ब्लंडर है कि आपने एक एरिया को डेवलप करने को लिया और उसमें जो रहने वाले गांव वालों का कोई प्लानिंग नहीं किया। उसका नियोजन और, नहीं किया गया। और उसी उन्हीं के आजू बाजू में बाहर के लोग आते हैं, उनको अच्छा सुविधा वाला एक शहर बनाने दे दिया। मतलब आप अंदरूनी क्या बोलते हैं वो झगड़ा पैदा कर दिया। और हमने तो वो झगड़ा को कब बहुत भयानक रूप भी देखा है, गांव वाला नॉन गांव वाला। यस, नॉट ओनली सोशल फील्ड में, इवन पॉलिटिकल राजकीय फील्ड में ये कम से कम 30 साल तक तो बहुत ही कट्टर चलाई। और आज फिर भी ठीक है, अभी तो काफी लोग एक दूसरे से मिलजुल, अभी एक अच्छा शहर का एक फ्रेम आ रहा है, लेकिन फिर भी अभी तक लोग असंतुष्ट है। यस, हाँ। और जबकि सिडको ने एक्चुअली सिडको का इसमें कोई रोल नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट का ही रोल है, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का रोल है, नगर विकास मंत्रालय का जो रोल है। तो सिडको का जो रोल था प्लानिंग में, मतलब शहर के अंदर क्या क्या होना चाहिए क्या क्या नहीं होना चाहिए उसमें था, लेकिन जो मेजर डिसीजन है पॉलिसी डिसीजन वो सब स्टेट गवर्नमेंट ने लिया था। फॉर एग्जाम्पल आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि जब वो 7 बच्चे लोग जैसे ही में मारे गए, जैसे ही मारे गए, यस, जैसे ही 1984 की बात है, दीबा पाटलन का संघर्ष था और बहुत जबरदस्त लड़ाई दिए थे स्थानीय लोगों में, तब जाके शरद पवार ने वगैरह इनको
एक नया रिहैबिलिटेशन स्कीम प्रकल्पग्रस्तों को एक नया पुनर्वसन स्कीम तैयार किया, 12.5% प्लस रेट जो 15,000 रुपया रेट था उसको 27,000 रुपया पर एकड़ रेट कर दिया था, रेट भी उनको ज्यादा देने दिया और ये 12.5%। लेकिन उस 12.5% में उन्होंने ऐसा एक गंदा प्रोविजन रखा कि वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हो सकता है, अच्छा ये नहीं कर सकता वो नहीं कर सकता सब बोल के, लेकिन ट्रांसफर होता था, अच्छा अगर बिल्डर आके करे तो सब होता था, अच्छा लेकिन गांव वाले अगर खुद कुछ करना चाहे तो नहीं कर नहीं कर सकते। तो इसमें इतना अच्छा स्कीम गवर्नमेंट लाते हुए भी मोस्ट गांव वाले जितने भी है गांव वाले उनको उस टाइम अपने शादी ब्याह घर का घर नया घर बनाने में इसमें इसमें खर्चा आता था बच्चों को एजुकेशन के लिए वगैरह, तो उन्होंने क्या किया बिल्डरों के साथ एग्रीमेंट कर लिया। ये खुशी से नहीं किया क्योंकि उनको दूसरा कोई चारा ही नहीं था, कोई ऑप्शन नहीं था, पॉलिसी बनाया गया और वो पॉलिसी में इनको अपना ही जगह का पूरा स्वातंत्र मिला नहीं मिला। हाँ, यस, बिकॉज ये छोटा सा क्लॉज डाल के फिर ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट करो ये करो वो करो वो सब प्रकार हुआ, ये वो टाइम हुआ। फिर अभी इंडिया का सबसे अच्छा जो पुनर्वसन स्कीम है ये है एयरपोर्ट वाला स्कीम, एयरपोर्ट वाला 22.5% और इसमें भी ऐसा प्रॉब्लम्स करके रखा है इन्होंने, अच्छा कि आप क्लस्टर बनाओ तो आपको खाली सिडकों को पूरा जगह दे दो, सिडको आपको इतना ये इतना परसेंटेज देगा, इसमें भी इतने कंफ्यूजन करके रखे कि इसका बेनिफिट सब लोग नहीं ले पाते, अच्छा और जो इनके इस पे एग्री नहीं करेंगे दे विल बी लेफ्ट आउट, मैं उन लोगों को वो नुकसान हो जाएगा। यस, तो मतलब एक यूनिफॉर्म पॉलिसी एक यूनिफॉर्म स्कीम ये किया नहीं, इसलिए मूल गौठन के लोग हर बार कोई फ्रैंकली स्पीकिंग काफी लोग पुनर्वसन के स्कीम से खुश भी हो गए, बहुत लोगों का तरक्की भी हुआ, अच्छा मैंने तो नवी मुंबई में देखा कि जिन्होंने अपना पैसा संभाला वो लोग तरक्की किया, वो लोग तरक्की किया। हाँ। और जिन्होंने पैसे उड़ाए अचानक पैसे आए, बार कल्चर भी आ गया था, यस, हाँ। बहुत पैसे दारू इसमें सब कर, बहुत लोगों ने नुकसान किया, लेकिन उस वक्त लीडरशिप जो है स्थानिक लीडरशिप उनका एक बहुत बड़ा रोल होना चाहिए था जो नहीं था। अच्छा आपको बताऊं इधर एक बैंक है गोपीनाथ पाटिल पारसिक जनता सहकारी बैंक, गोपीनाथ पाटिल पारसिक सहकारी पारसिक जनता सहकारी बैंक, वो पहला उसका नाम था पारसिक जनता सहकारी, अच्छा अभी उनका जो फाउंडर था गोपीनाथ पाटिल उनके नाम पे, उनके नाम पे अभी उनका बेटा उधर का चीफ है। उस बैंक ने इतना महत्वपूर्ण रोल किया, ये लोग जो जाते थे पैसे लेने को मेट्रो में पैसे लेने को जाते थे वहाँ उनको जबरदस्ती उनका पैसा फिक्स डिपॉजिट पे डाला करते हैं और उनको समझाया जाता है कि तुम अपना पैसा उड़ाओ मत, अच्छा इसको ये रखो आपका पैसा बचेगा तो आप कुछ ना कुछ अच्छा कर पाएंगे। यस, तो बैंक का एक बहुत बड़ा रोल था और ये रोल इनके सभी लीडर लोग से अपेक्षित था, अच्छा लेकिन लीडर लोग मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन मैं क्लियरली बताता हूँ कि लीडरशिप लोग अपना अपना हिस्सा खींचने में लगे हुए थे और इस कारण जो स्थानिक लोगों का जो मूल वेलफेयर होना चाहिए वो नहीं हो पाया। तो आपने सर एक नाम लिया जो पार्षिक गोपीनाथ पार्षिक जनता सहकारी बैंक, क्या ये वही बैंक है जिसमें घोटाले को लेकर बड़ा बवाल मचा था, ये क्या उन्हीं प्रकल्पग्रस्तों का? अच्छा नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं ये कलवा बेस्ड बैंक है, अच्छा ओके बहुत बढ़िया बैंक, इट इज वन ऑफ द बेस्ट बैंक। तो इसमें बड़ी भूमिका स्थानीय नेताओं की हो सकती थी कि ज्यादा ग्रामीणों को प्रेरित करते तो जो पैसे बर्बाद हो गए जो लोग तबाह हो गए वो बच सकते थे और उनका उत्थान हो सकता था। मतलब अगर ये लीडर लोग बैंक व्यवस्था हाँ और इनको सब लेके मतलब ये 50-50 में बेचना मजबूर नहीं होते ओके ओके तो काफी लोगों का उद्धार हो सकता मतलब अपनी प्रॉपर्टी अपने हाथ में रह के कुछ पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी रेंटल पे डाल के उन लोगों का व्यवहार अच्छा बढ़ सकता है। सिर्फ पैसे की कमी होने के कारण उनको 50% अपना जमीन बेचना पड़ा। सर आपने जो सिडको के कामकाज को आप पिछले 30-40 साल से आप अपने नज़र से देख रहे हैं, आपने स्वयं रिपोर्टिंग भी की है जब सिडको यहाँ पर आई और अभी जब सिडको ने प्रोजेक्ट शुरू किया, सिडको का जो मकसद था वो मकसद प्योरली क्या था
और उस मकसद से डिरेल कैसे हुई सीट को? सर, सिडको का मेन मकसद उस बार वो टाइम एक दो चीज था। एक था कि मुंबई को मुंबई का जो आबादी बढ़ रही थी उसको कम करना, उस भीड़ को कम करना, नियंत्रण करना। और दूसरा इन फ्यूचर जो मुंबई में जो आने का संभावना थी वो भीड़ को भी ये शहर करने के लिए, ये दो मकसद थी सिडको की। एंड साथ में एक अच्छा शहर, नियोजित शहर बनाना, ये था। बट नियोजित शहर किस लिए बनाना, ये दो मकसद, कि मुंबई को जो अभी का भीड़ कम करना और आने वाले भीड़ को भी, संभावना भीड़ को भी कम करना वो एब्जॉर्ब कर लेना है। यस यस यस। और हालांकि ये शहर जब बसाने लगे ये लोग तो लोग आने तैयार नहीं थे, क्योंकि कोई सुविधा नहीं थी बिल्कुल नहीं थी। लोगों को कभी कोल्ड ड्रिंक पिलाओ, कभी ये करो वो करो करके उनको बुलाया गया, इनवाइट किया गया। अच्छा, आओ अच्छा, करके एकदम इंस्टॉलमेंट में प्लॉट भी दिए, इंस्टॉलमेंट में घर भी दिए, सब दिए। इट वाज अ बहुत अच्छा कंसेप्ट रहा कि लोगों को लाना। लेकिन जैसे जैसे शहर बनते गया काफी लोगों का प्लानिंग से नजर हट गया। अच्छा, नियोजन से बिल्कुल नजर हट गया। और आज उस नियोजन की एक गलतियां हमको सामने नजर आ रही है। अच्छा। मैं तो चाहूंगा कि आप जैसे पत्रकार, सुधीर आपने बहुत अच्छा प्रोजेक्ट प्रोग्राम लिया आज के दिन, लेकिन इस प्रोग्राम का मकसद पूरा तब होगा जब आज आपके जितने भी गेस्ट लोग आते हैं तो आपको सिडको के प्लानिंग का जो उनिव बताते हैं उसका एक व्हाइट पेपर तैयार करो। यस, कि क्या क्या कमी रह गई थी प्लानिंग में। ओके, और उस चीज का एक प्रेजेंटेशन गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को दो कि क्या उनिव रह गया। मैं छोटी छोटी बातें करूंगा, मैं बड़ी बातें नहीं करूंगा। मैं मेरे एज ए नागरिक जो मुझे सामने नजर आया, बिल्कुल हाँ, सबसे पहले मैं हमारे अखबार वालों के बारे में बोलूंगा कि सुबह चाय पीने से पहले लोगों को आज अखबार लगती है, लेकिन आज भी हमारे अखबार बेचने वाले जितने लोग हैं वो सब इलीगल अनधिकृत बैठे हैं। सही कहा आपने, बिल्कुल। क्यों? नियोजन का अभाव कि आप एक अखबार वालों को, पेपर वालों को एक स्टॉल नहीं दे पाए। यस, और स्टॉल कहां देना चाहिए, जहाँ रहदारी होती है, जहाँ लोग आना जाना ज्यादा रहता है। यस, सुबह उठ के लोग कोई भागते हैं ऑफिस जाते हैं, पेपर उठा लेते हैं। हाँ, या yes, शाम को वापस आते टाइम पेपर उठाते हैं। तो रेलवे स्टेशन या बस स्टॉप के साइड में ये चीज का नियोजन होना चाहिए था। ठीक है, नहीं किया। नवी मुंबई पहला प्लानिंग सिटी हो गया था, नहीं किया। लेकिन आगे के शहर में ये किया गया, नहीं किया। यस, क्योंकि आपको बताऊं 1970 में न्यू बॉम्बे का ये हुआ, सिडको का स्थापना हुई। हाँ, हाँ। लेकिन उसके बाद 5, 6, 10, 20 साल में सिडको को अनेक शहर बनाने का मौका मिला एज अ स्पेशल पर्पस व्हीकल। यस यस, एसपीवी करके इनको नासिक मिला, नांदेड मिला, औरंगाबाद मिला, वालूज मिला, एक हिल स्टेशन चिकलदारा मिला। हाँ, वो भी मिला। यस यस, तो बिल्कुल ऐसे काफी इनको ये सब मिले, न्यू टाउन्स बोलते हैं, न्यू टाउन्स प्लानिंग में। मेरे पास लिस्ट है सर, नवीन नांदेड़, ओरा सिंधुदुर्ग, वाळुंज, औरंगाबाद। सिंधुदुर्ग उन्होंने नहीं बनाया, अच्छा, उसका खाली ये आराखड़ा बनाया। अच्छा, प्लानिंग उन्होंने किया। ओके ओके, खोपटा, फिर नवीन नगर जालना, नवीन औरंगाबाद, नवीन नासिक, वसई विरार, ओ प्रदेश, यहाँ तक कि रायपुर, न्यू रायपुर दूसरे स्टेट में जाके। मतलब सिडको का कामगिरी वो हिसाब से ये सरकारी हिसाब से ठीक था, लेकिन एज अ नागरिक ये सब चीजें उन्होंने नजरअंदाज किया। अभी ये तो मैंने एक ही बात बताया आपको न्यूज़पेपर वालों का, देर अनधिकृत। yes. और क्यों अनधिकृत रहा, सिडको ने छोटे छोटे दुकान निकाले नहीं, ऐसा नहीं है, प्लानिंग में निकाले। फॉर एग्जाम्पल आपको एक छोटा किस्सा बताऊ, नेरुल में एक प्लानिंग में एक शॉप निकाले, उसमें एक शॉप था स्टोव रिपेयर का। अच्छा, उस जमाने में स्टोव बहुत होता था, स्टोव रिपेयर करने का शॉप। अभी स्टोव रिपेयर करने का शॉप का हैसियत क्या होगा उस आदमी का जिसको लेने को, और वो शॉप कोई फिक्स प्राइस या फिक्स रेंटल में नहीं, ऑक्शन में। अच्छा, और मुझे बताओ कोई स्टोव रिपेयर वाला ऑक्शन में दुकान ले सकता? नहीं ले सकता। और फिर वो दुकान लेगा कौन? कोई इन्वेस्टर लेगा। यस, एक दो दिन स्टोव रिपेयर वाले को बिठाएगा, फिर सिडको में जाके चेंज ऑफ यूज करेगा, और पूरा चेंज ऑफ यूज करके
ऐसे जितने भी प्लान किए कि एक बिल्डिंग का उधर एक चक्की आटा का चक्की आटा चक्की चाहिए, ये चाहिए, ये जो जो जरूरतमंद चीज है, प्लानिंग तो किया लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन ऐसे लोगों के हाथ में गया कि वो चीज वहां रहा ही नहीं, रहा ही नहीं। इट वॉज अ ब्रेकअप ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। सिमिलरली मैं ये जो बोला अखबार वालों का, ये सब प्लानिंग नहीं हुआ। अगर आप मंदिर प्लान किए तो मंदिर के साथ वो फूल बेचने वाला, नारियल बेचने वाला, अगरबत्ती बेचने वाला, वो एक स्टॉल होना जरूरी। अगर वो नियोजन में नहीं है, देयर इज समथिंग रॉन्ग। यस, ये छोटी छोटी बातें हैं नियोजन का। सिमिलरली हमने एसएस टाइप घर बनाए, समझो माथाड़ी का बनाया, इधर बेलापुर में क्लास 3 क्लास 4 एम्प्लॉयज के लिए बनाया हमने, उनके लिए रोड बनाया, लेकिन उनके लिए पार्किंग का कोई व्यवस्था नहीं, कोई व्यवस्था क्या उनका सिडको के अधिकारी का नियोजन के हिसाब से ये लोग जिंदगी भर कभी गाड़ी लेगा, गाड़ी नहीं लेंगे। यस, ये लोग वैसे ही रहेंगे। यस, और ऐसा होता नहीं है। कोई भी शहर जब इतने तेजी से बढ़ती है तो लोग भी उधर प्रोग्रेस करते हैं। और नवी मुंबई में एक चीज अच्छी बात बताऊंगा, ये सिडको का ही योगदान है कि कुछ लोग बहुत तरक्की कर गए और काफी लोग हैं, मतलब जो जब हम आए थे इधर न्यू बॉम्बे में हम क्या थे, और 20 साल बाद 25 साल बाद 30 साल बाद हम लोग क्या है। बिल्कुल, तो सिडको ने एक शहर ऐसा बनाया जिसमें लोग प्रगति कर सके। बिल्कुल, बट कुछ गलतियां ऐसी है जो अगर हम लोग नोट नहीं करेंगे तो आगे का जो शहर बनने वाला है, अभी इंडिया का जो अर्बनाइजेशन है, शहरीकरण जो है, वो इतने फास्ट हो रही है, रैपिड अर्बनाइजेशन हो रही है, और हर जगह आप लोग यही गलती दोहराते रहेंगे तो उसमें क्या होगा, हॉकर्स का जो प्रॉब्लम है ये कायम रहेगा, कायम रहेगा, पार्किंग की प्रॉब्लम कायम रहेगा। प्रॉब्लम इज क्रिएटेड बाय लैक ऑफ प्लानिंग। अच्छा, नियोजन के अभाव से ये प्रॉब्लम तैयार होता है। यस यस यस, और ये चीज अगर इन लोग दुरुस्त नहीं करेंगे तो अभी आपको और एक अभी बड़े पैमाने की बात करो, ये हुआ इधर सिडको ने 20-20 एकड़ प्लॉट एमजीएम को दिया, भारतीय विद्यापीठ को दिया, डीवाई पाटिल को दिया। यस, एंड प्लॉट उनको देना था करके प्रोजेक्ट बना वैसा, उन लोगों को पॉलिसीज डाल दिए उसमें कि 20 एकड़ में 10 एकड़ में आप कॉलेज बनाओ। अच्छा, और 10 एकड़ में सामाजिक वनीकरण करो। अच्छा, सामाजिक वनीकरण, हाँ, सोशल फॉरेस्ट। अच्छा, हाँ, इस कंडीशन में इनको ये प्लॉट दिया गया। अच्छा, लेकिन ये सब पॉलिटिकल लोग हैं, इनको मालूम है कि ये जो रूल है ये आज नहीं तो कल हम लोग बदल देंगे। यस यस, हाँ, बाकी लोग को मालूम नहीं है। यस, तो उन लोग को उनको एफोर्ड नहीं हो सकता था। बिल्कुल, 50% सामाजिक वनीकरण और 50% कॉलेज, तो कोई आए नहीं, तो इन लोग ही मिल गया ये प्लॉट। और आज अगर आप उनका एग्रीमेंट देखोगे उधर, वो सामाजिक वनीकरण का क्लॉज खत्म हो गया, खत्म, गायब कर दिया, वेव ऑफ कर दिया। अगर नियोजन के हिसाब से सामाजिक वनीकरण के साथ अगर वो कॉलेज बनता तो सोचो कितना सुंदर होता था। बिल्कुल बिल्कुल, ये शहर बहुत बहुत बढ़िया आपने बात कही, लेकिन वो नहीं हुआ। लोग अपने अपने पावर से, पॉलिटिकल इससे, चेंज ऑफ यूज, चेंज ऑफ ए सिडको का, अगर कोई अधिकारी को किसी को फेवर करना होगा, डॉक्टर को एक हॉस्पिटल दिलाना होगा, तो एक नियम बना देता था, एक टेंडर का एक कुछ क्लॉज ऐसा करके रखता था कि इतना साल का, इतना ये वो सब करके, वो ऐसा करता था कि वो टेंडर उसी को मिले। अच्छा। और ऐसा डॉक्टर लोग का प्लॉट्स का टेंडर निकले और जो अल्टीमेटली गए किसके हाथ में, बिल्डर के हाथ में गए। मतलब प्लानिंग वॉज वेरी गुड, लेकिन प्लानिंग का जो इम्प्लीमेंटेशन था, देयर वॉज मिस्चीफ बोले तो करप्शन भी था। और अगर ये हम लोग एक्सेप्ट अगर नहीं करेंगे तो हम लोग दुरुस्त नहीं कर पाएंगे। और ये होते रहेगा, शहर आफ्टर शहर ये होते, ये चीजें रिपीट होती रहेंगी। तो इसके लिए मेरा कहना, पर दूसरी बात स्कूल का, जब भी आप स्कूल बनाते हो इन अ प्लान्ड सिटी, तो उसमें एक नियम इतना स्ट्रांग होना चाहिए था कि उस एरिया का पेरिफेरी में जितने बच्चे आते हैं उनको वो स्कूल में एडमिशन कंपलसरी मिलना चाहिए, वो कहीं पर भी नहीं किया गया। अभी एक पर्टिकुलर स्कूल बहुत अच्छे अच्छे बच्चों को 90% 80% वगैरह ले लेता था फ्रॉम ऑल ओवर न्यू बॉम्बे, और उस एरिया का बच्चे को नहीं मिल रहा था, उनको और कहीं जाना पड़ता था। दिस वाज प्लानिंग का एक अभाव, ये था कि दे कुड नॉट इम्प्लीमेंट द पर्पस कि वो स्कूल
प्लांट सिटी में इतने पॉपुलेशन के लिए ये स्कूल, इतने पॉपुलेशन के लिए ये मार्केट, इतने पॉपुलेशन के लिए ये, हाँ यस। नाउ अभी आज आपने जो विषय लिया है इनका, प्रकल्पग्रस्तों का, काला दिन का, तो मैं आपको इस विषय पे वापस आता हूँ। हमारा प्लानिंग का अभाव कि सिडको ने ये सिटी बनाया और गौटन को बिल्कुल इग्नोर किया, इग्नोर कर दिया यस। उनके लिए अभी हमारा इतना अच्छा 29 किलोमीटर का कोस्ट लाइन है, कोस्टल लाइन यस। वो कोस्ट लाइन का भी जितने भी रहवासी है, जो जिसका व्यवसाय था फिशिंग का, फिशिंग का, उनके लिए कभी कोई जेटी बनाया नहीं, एक जेटी नहीं बनाया उनके औरतों के और मार्केट के लिए। अभी नया शहर बसता तो मार्केट तो है, मार्केट चाहिए यस, लेकिन उनके लिए बैठने का मार्केट नहीं, उनको इलीगल करके ही बिठाया हमने। जब भी कोई जाता अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन कंट्रोलर जाता था सिडको का, उनको उठा लेता था, ले जैसे कि इनको क्रिमिनल ही बना दिया, क्रिमिनल बना दिया यस यस। ये मार्केट होना जरूरी था, वो नहीं हुआ। तो जेटी के हिसाब से, फिशिंग के हिसाब से, कोल्ड स्टोरेज के हिसाब से इनको कुछ नहीं। अभी जेटी बन रही है, लेकिन अभी जेटी किसके लिए बन रही है? मच्छी वालों के लिए नहीं बन रही है, कि मच्छी वाला एक कारण है, बट मरीन ट्रांसपोर्ट, अच्छा, मुंबई वालों के लिए, हम लोग के लिए, जो सब लोग अभी इधर से उधर जाना चाहते हैं उनके लिए अभी बन रही है। अच्छा, सो नाउ इट दिस इज बिकॉज रोड का बहुत कंजेस्टेड हो गया, बहुत क्राउडेड हो गया, दे वांट ए इजीयर मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो लॉजिस्टिक को सुधारने के लिए अभी ये जेटी वेटी बन रही है। उसमें मच्छी वालों का बेनिफिट होगा नहीं होगा वो अब आदमी की बात है, यस यस। लेकिन लेकिन फ्रंट पे तो रखा जा रहा है कि मच्छुआरों के लिए बनाया जा रहा है, और इसकी प्लानिंग है वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए। वाटर ट्रांसपोर्ट में वही लोग आएंगे जो पैसे वाले लोग हैं, जिनकी बोट चलेगी, उनके लिए लॉजिस्टिक के लिए, लॉजिस्टिक के लिए। मतलब ये सब बता रहा हूँ, ये प्लानिंग में इट शुड बी नोटेड डाउन कि आने वाले शहर जब बनाते हो या बसाते हो तो ये सब चीज पहले विस्थापित होने वालों का ध्यान रखना चाहिए, पहला उनका प्लानिंग किया जाए, एंड देन आने वाले लोगों का भी, उनका भी प्लानिंग बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि जैसा मैंने बताया पेपर बेचने वाले, बिल्कुल इज पार्ट ऑफ दैट थिंग, और सिमिलरली घर में काम करने वाले लोग हैं उनके लिए अफोर्डेबल हाउसेस, ये सब चीज। एंड सिडको ने जैसे जैसे उनका मार्केट बनते गया, दे स्टार्टेड सेलिंग। पहला तो एक एमडी आया, उन्होंने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे किया। अच्छा, तो उसमें क्या होता था, सब जितने दलाल लोग थे उन लोग कॉर्नर पहले, हाँ यस यस, बिकॉज़ उनको उन लोग तो पहले आके उनको पहले पता है, यस पहले पैसा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। फिर क्या किया उसमें, ऑक्शन प्रोसेस स्टार्ट किया, जो ज्यादा भाव देगा उसको दे देगा, उसको जमीन देने का। उधर भी जो जरूरतमंदों को नहीं मिलता था, नहीं मिलता था, यस। मतलब एक शहर में एक घटक ऐसा है जिधर जरूरतमंद लोग रहते हैं, सिक्योरिटी गार्ड होता है, हाउसमेट्स होता है, पीपल फ्रॉम अ लिटिल इकोनॉमिकली लोअर स्ट्रेटा के लोगों को अफोर्डेबल हाउसिंग होना बहुत जरूरी है, वो नहीं होता था इधर। तो इट इज वेरी इम्पोर्टेंट कि प्लानिंग में ये सब चीज इनकॉर्पोरेट किया जाए, yes, और हाँ, अगर कोई अधिकारी, कोई एमडी सिडको वाले वगैरह का नहीं हुआ, वो लेवल पे अगर नहीं होता है, तो दे शुड एक्सेप्ट देयर मिस्टेक और उसको दुरुस्त किया। सर आपने उस पॉइंट पर आपने ला दिया, मैंने इस ऑनलाइन सेशन के लिए, ये लाइव जो डिबेट है इसके लिए मैंने सिडको एमडी से, मैं लगातार 5 दिन से प्रयास कर रहा था कि कोई अधिकारी आए अपना पक्ष रखे। मैं यहाँ के तमाम बिल्डरों से मैंने इसके लिए कांटेक्ट किया, उनको मैसेज भेजे, वो बोलते रहे कि हम आएंगे, लेकिन जब फाइनल की बात आई कि भाई कल ये लाइव सेशन है, तो उन्होंने कहा कि हम सिडको के खिलाफ नहीं बोल सकते, हमारे प्रोजेक्ट अफेक्टेड हो जाएंगे, हम उनके, हमने यहाँ तक कहा कि आप वो सच बोलिए, अगर सिडको का आपको लगता है कि अच्छा पहलू है तो आप अच्छा पहलू भी रख सकते हैं, कोई आवश्यक नहीं है कि हम निगेटिव के लिए कर रहे हैं। लेकिन इस तरह की व्यवस्थाएं हैं सिडको, जैसा आपने खुद बताया कि वहाँ पर जिस तरह की कार्य प्रणाली है, निश्चित तौर पर ऐसा ही होता है। सर जब हम सिडको का इतिहास देखते हैं, तो जब इसकी शुरुआत हुई थी तो इसका जो कैपिटल था वो 3,95,00,000 से शुरू हुआ था, और आज सिडको 1 वर्ग मीटर का जो कीमत जो लेती है वो 3 लाख से 3.25 लाख रुपये में एक सिंगल वर्ग मीटर जमीन बेच रही है। मतलब सिडको का मकसद था कि इस कैपिटल से हम एक सिटी बसाएंगे और जो वहाँ के रिसोर्सेस रहेंगे उससे पैसा हम बना के यहाँ के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेंगे। लेकिन आज सिडको जमीन बेचने वाली हो गई है, अभी आज हजारों करोड़ की उसके पास मिल्कियत है, सिडको के पास इतने पैसे जमा है। सिडको का काम क्या पैसा कमाना था? सबसे पहली बात यह है कि सिडको का जो ऑडिट है
सिडको इज 100% गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में, यस हां। तो इनका ऑडिट भी जो है पब्लिक होना चाहिए, जो नहीं होता है। आज हमारे पास, अभी मैं तो 30-40 साल पत्रकारिता कर रहा हूँ इस सिटी में, अभी तक मैंने तो सिडको का ऑडिट रिपोर्ट देखा नहीं। यस, ये ऑडिट रिपोर्ट शुड बी पब्लिक कि सिडको में पैसा कितना आया, कहाँ खर्च हुआ, यस और कितना बचा हुआ है, वह किधर है इनका पैसे, किधर रखा हुआ, ये आज तक किसी को मालूम नहीं। और इसी में सब कुछ छुपा हुआ, सब कुछ छुपा हुआ है। यस, कि सिडको में पैसे आते हैं। आज आपको मालूम है कि बहुत कम लोगों को मालूम है, सिडको ने एक नया कंपनी खोल बैठा है, टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। अच्छा, आपको मालूम है? हाँ, सिडको का एक अपना एक कंपनी है। अच्छा, सिडको टूरिज्म डेवलपमेंट, जिसमें एक आईएएस ऑफिसर है। अच्छा, अलग से कंपनी बना दी, कंपनी बनाया। अच्छा, सिडको के बिल्डिंग में ही है वो, फर्स्ट फ्लोर में। अच्छा, उस कॉर्पोरेशन का काम क्या है? अभी आपने जो बोला किसके लिए सिडको बनी, ये आदमी, ये कंपनी बैठ के क्या करती है, जितने भी टूरिस्ट स्पॉट्स है महाराष्ट्र में, अच्छा, वहाँ का होटल्स का बुकिंग इधर से इधर बैठ के कराते हैं। किसके लिए होना चाहिए था? पब्लिक के लिए, पब्लिक के लिए है, अधिकारियों के लिए, अधिकारियों के लिए बुकिंग कर लेते हैं। अच्छा, और वो होटलों के साथ टाई अप है। ये कोई काम है सिडको का? ये सिडको का काम तो है नहीं। और ये क्यों किया? क्योंकि सिडको के पास पैसे बहुत पड़े थे, क्या करेंगे मालूम नहीं। अच्छा, तो इन्होंने 600 करोड़ रुपया उधर दे दिया टूरिज्म, और ये कंपनी सेटअप कर दी। अच्छा, और आज उस कंपनी के बारे में हम लोग को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, और उन्हीं के अंडर ये अर्बन हार्ट जो चलती है, अर्बन हार्ट उसके अंडर चला रहे हैं। अच्छा, लेकिन अर्बन हार्ट का और उसका कोई संबंध है? उनका जो मेन मकसद है होटलों का बुकिंग करना, जबकि वो ट्रैवल, टूर एंड ट्रैवल वालों का काम है, ट्रैवल्स का काम है, आप लोग का काम नहीं है। आप लोग अपने अधिकारियों के लिए या गवर्नमेंट के अधिकारियों के लिए एक व्यवस्था बना दिया मेन सड़कों के पैसे से। यही गाँव वाले जो आज आंदोलन कर रहे हैं, उनका व्यवस्था आप नहीं कर पा रहे हो। यस, आप अपने अधिकारियों का होटल का बुकिंग का व्यवस्था कर रहे हो, और कोई सवाल नहीं इस पे। ये अर्बन डेवलपमेंट का आपने जो बताया मुझे कि इन लोग अपने मकसद से भटका हुआ है। हाँ, ये भटकने का मकसद है कि इनको पैसे से क्या करना मालूम नहीं, और पैसे बताना भी नहीं है, बताना भी नहीं है। यस यस, जबकि सिडको का प्लानिंग जब भी हुआ, आप 1970 में सिडको एस्टैब्लिश हुआ, 95 में हम लोग का म्युनिसिपल बॉडी है, इलेक्टेड बॉडी है, इलेक्टेड बॉडी। हां, 70 to 95, 25 इयर्स हमारे पास एक हॉस्पिटल नहीं था मालूम। आपने एक शहर बना दिया विदाउट अ हॉस्पिटल, एक भी हॉस्पिटल नहीं, एक भी हॉस्पिटल। मैं कितना, आप नियोजन के बारे में कितना चर्चा करोगे? अभी एक एक ये सब पॉइंट्स है कि आपने शहर बनाया हॉस्पिटल नहीं, आपने शहर बनाया एक पोस्ट ऑफिस नहीं, एक एक बिल्डिंग में एक एक रूम लेके उसमें पोस्ट ऑफिस खोला गया। जनरल पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग होना चाहिए था, बिल्कुल। पुलिस कमिश्नरेट का एक भव्य पुलिस कमिश्नरेट होना चाहिए था, नहीं था, बिल्कुल। एक डीसीपी का ऑफिस को कन्वर्ट किया पुलिस कमिश्नर, पुलिस कमिश्नरेट में। हाँ, और अभी अभी हाल ही में ये कलमबोली का बना है, यस। जबकि पुलिस कमिश्नरेट इज लॉ एंड ऑर्डर, यस। आप एक नया सिटी बसाते हो तो सबसे पहला उसकी जरूरत है, सबसे पहला पुलिस कमिश्नरेट की जरूरत है। आपने ये सब चीज को नजरअंदाज करके पैसे बनाने के मकसद में खाली शहर बसाया, एंड शहर वी बिल्ड हाउसेस इंडस्ट्री एंड कमर्शियल ऑफिसेस, सिटी नहीं। अगर सिटी होता तो उसमें हॉस्पिटल होता, मार्केट होता, एवरी नोड के लिए स्कूल होता, कॉलेज होता, सब होता। ये नियोजन का मे बी बिकॉज somebody has to be held responsible, किसी को जवाबदार होना चाहिए, जवाबदार होना पड़ेगा। अभी आईएएस ऑफिसर का बहुत ही कंफर्टेबल जोन में है, उन लोग तीन साल के लिए आते हैं, चले जाते हैं। यस, और कोई सवाल नहीं, कोई सवाल का जवाब देना नहीं, ऑडिट नहीं, कुछ नहीं कि आपके कालखंड में ये शहर आपने बसाया, इसमें ये क्यों नहीं है, आज किसको पूछेंगे आप, किसको पूछेंगे? यस, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री भी बदल जाती है। लेकिन सिडको में भी ये आना मांगता था कि आज हमारे पास 800-900 बेड का हॉस्पिटल है, पालिका का हॉस्पिटल, पालिका का हॉस्पिटल, लेकिन हमारे पास मेडिकल कॉलेज नहीं है, मेडिकल कॉलेज नहीं है।
आपको प्राइवेट लोगों को संभालने के लिए आपने अपना सिविल हॉस्पिटल, सिविल कॉलेज, ये सब सारी दे वंचित दी। वंचित कर दिया लोगों को। तो ये सब प्लानिंग का बहुत बड़ा मिस्टेक है, और जबकि ये सिटी वॉज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि आपको एक सपाट जमीन मिल गया, आप जो मांगते हो उसका डिजाइन बना सकते। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन सब कुछ गलत किया ऐसा बोल नहीं सकते। सड़कों ने का अभी जो मुंबई से लोग आते हैं नवी मुंबई में, लोग बोलते हैं क्या सिटी है, यहाँ का रोड्स, यहाँ का जो प्लानिंग है, हमारे एसटीपी प्लांट्स है, हमारे गार्बेज डंपिंग, साइंटिफिक गार्बेज डंपिंग, ये सब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बदौलत हुआ। लेकिन सिडको जब जो नियोजन किया, सिडको ने बिल्डिंग्स और सिटी और वो सब बनाए, लेकिन काफी चीजों का ऊनी रहा। तो आज बर्थडे का दिन हम लोग अच्छा बोले तो अच्छा, लेकिन जबकि स्थानिक लोग बहुत नाराज है इसमें, और 50% नाराजगी वाजिब है, मतलब इट इज करेक्ट है, लेकिन 50% आपको अभी भी मैं बताता हूँ कि इनके संघर्ष में नेतृत्व का दिशा भूल भी है। अच्छा, अच्छा। लीडरशिप लोग अपने फायदे के लिए हर संघर्ष में लीडर लोगों का फायदा हो गया, और स्थानिक गांव वालों का वैसे के वैसे रह गए। और मुझे डर इस संघर्ष का भी यही है। अच्छा, कि अगर ये संघर्ष सचमुच रहे, बिकॉज आज जो सुरेश ठाकुर लीड कर रहे हैं, सुरेश ठाकुर 15 साल कम से कम सिडको का यूनियन लीडर रहा। अच्छा, यस सर, 15 साल सिडको का यूनियन लीडर रहा तभी, और आज भी आपको बताऊं सिडको का यूनियन लीडर लोगों का जो है जो कोई बताता नहीं है, उनके यूनियन लीडर्स को कितने लोगों को चार चार पांच पांच बार घर मिला, अलॉट हुआ, अलॉट हुआ, यस यस, तीन तीन मिनिमम, और पांच भी हुआ है। सर, सैकड़ों करोड़ की प्रॉपर्टी एक यूनियन लीडर के पास है, सीट को। सो दैट इज व्हाट अभी आज का दिन वो डिस्कस करने का नहीं है, लेकिन मेरा व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज अपीसमेंट पॉलिसी मैनेजमेंट। हां, यस, मैनेजमेंट ने क्या किया, सेफ जोन गया, सेफ जोन के साथ लीडर को खुश करो, यूनियन को खुश करो, अब बाकी पब्लिक अपने आप संभल जाएगा, अपने आप संभल जाएगा। एंड वहीं पर ये आज जो ज्वालामुखी जो निकल रहा है वो इसी बात का है कि मैक्सिमम लोगों का वो बेनिफिट पहुंचा नहीं पहुंचा, और अगर पहुंचा भी इट हैज नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड प्रॉपरली, जो ढंग से इम्प्लीमेंट होना मतलब अगर उनको प्लॉट दिया गया, वो प्लॉट में उनको सब परमिशन मिलना चाहिए था। यस यस, और वो परमिशन के लिए अगर आप दिक्कत करोगे तो वो लोग बोलेंगे चलो हमसे नहीं होगा, तो उससे अच्छा बिल्डर लोग के हाथ में दे दो, ये करो। और कितने प्लॉट सिडको ने, ये तो महापाप है, अभी आपको आपका चैनल को नुकसान होगा अगर मैं ये बताऊँ, तो कितने बिल्डर लोगों को आदिवासियों का प्लॉट एक डिस्ट्रिक्ट में कंसोलिडेट करके दूसरे डिस्ट्रिक्ट में दिए गए। यस, सो ये सब सिडको का ही पाप है। यस, बट आज तक एक भी सिडको का गुनेगार पनिशमेंट नहीं हुआ। तो सिडको के अच्छाइयां गिनना भी बहुत जरूरी है। सिडको ने जो विष्णुदास भावे बनाए, ये चीज को नाकार नहीं सकता है। औरंगाबाद में सबसे ब्यूटीफुल ऑडिटोरियम बना हुआ है, सबसे ब्यूटीफुल ऑडिटोरियम औरंगाबाद में ये सिडको ने बनाया। सिडको का जो सेंट्रल पार्क है, आगरीकोली भवन है, नहीं आगरीकोली भवन सिडको का नहीं है। अच्छा, ओके, सिडको ने बनाया था, वारकरी भवन में उधर मटन काट के उधर ये सर, आगरीकोली भवन में भी कुछ भी नहीं है, जिस तरह से संकल्पना म्यूजियम होना चाहिए था, कुछ नहीं है, जो उनका लिटरेचर होना चाहिए था वो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक सेफ बना दिए। अच्छा, मैं आपको वापस प्लानिंग का नहीं बोलता, ये समाज कल्याण डिपार्टमेंट, सोशल सर्विस डिपार्टमेंट सिडको का, आज तो कौसानिकर जी नहीं रहे, गुजर गए गए महीने में या दो महीने पहले, तो कौसानिकर साहब ने सोशल सर्विस प्लॉट देने में बहुत अच्छा पुराकार लिया था कि फलाना समाज को ये प्लॉट दो, ये प्लॉट दो, वो प्लॉट दो, आर्य समाज, कैराली, तेलुगु, शिव विष्णु मंदिर, हाँ बिल्कुल, एक लाइन से सारी चीजें हैं, सभी कम्युनिटी के लिए, यस बिल्कुल, तो सबको दिया ये प्लॉट, यस यस, लेकिन आपको मालूम है इसमें पब्लिक ने कितना बदमाशी किया, जिन लोगों ने प्लॉट लिया ना, जो पदाधिकारी, अभी आपको सिडको ने बहुत ही कंसेशन में प्लॉट दिया, आपने कंसेशन किया, सब किया, लेकिन जिस समाज के नाम से आपने प्लॉट लिया उस समाज को आप कोई कंसेशन नहीं देते शादी ब्याह के लिए।
ये आपने बहुत बड़ी बात कही सर, और ये अक्सर ये शिकायतें इसकी आ रही हैं कि ये उनके पर्टिकुलर समाज का होकर भी कोई रियायत नहीं है, देते नहीं है, नहीं बिल्कुल। और उस समाज के गरीब लोग को और कहीं ढूंढना पड़ता है, बिल्कुल वो समाज उनके काम का नहीं आता। अभी मैं वाशी में अगर रहता हूँ, अगर मेरा अगर समाज को एक हॉल मिला है तो मेरे बच्चों का शादी के लिए मुझे तो बिल्कुल ये कंसेशन उन्हें देना चाहिए। यस यस, और सिडको ने प्लॉट दे दिया, जवाबदारी टल गई और कोई कंडीशन नहीं उसमें, बिल्कुल कोई कंडीशन नहीं। यस यस, तो अगर ये भी एक नियोजन का फेलियर है कि सामाजिक उपयोगी प्लॉट्स देते टाइम उसमें क्या रूल्स और रेगुलेशन रूल्स क्या रहने चाहिए उसको प्रॉपर नहीं किया। अभी आपको बताऊं, हम लोग का भी अभी एक पत्रकार भवन, बहुत अच्छा भवन बनाया इन्होंने सी वुड्स में, अगर ये पत्रकार भवन का अगर नियमावली नहीं बनती यस, तो फिर बहुत बड़ा हंगामा होने वाला है आगे जाके। और इनको यही चाहिए, पत्रकार आपस में लड़ते रहे भिड़ते रहे, बट दे विल नॉट एक्चुअली, ये उन लोग देंगे कॉर्पोरेशन को, कॉर्पोरेशन और सिडको मिलके एक बॉडी बनाना बहुत जरूरी है। यस, और वो बॉडी का कोई रूल्स होना चाहिए, वो हिसाब से चलना चाहिए यूनिवर्सल रूल हो ताकि लंबे समय बनाएंगे। हाँ। तो हम लोग आपस में आप और हम झगड़ते रहेंगे और हम लोग जाएंगे उधर और हमारा खुद का तमाशा बनाएंगे उधर। यस यस, बट इतनी ब्यूटीफुल वास्तु सिडको ने बनाया। एक्चुअली आज का दिन मैं सिडको को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इतना अच्छा पत्रकार भवन बना के दिया, बहुत अच्छे लोकेशन में, सीवुड के बिल्कुल स्टेशन पास में है, बिल्कुल पास में है। यस, लेकिन उसका नियोजन अगर नहीं करेगा तो ये जो मैं आज अभी ये सब गलतियां बता रहे हैं, ये हमारे पत्रकार लोगों के साथ भी वही होने वाला है। सर, जैसा कि आज आपने खुद भी जिक्र किया कि आज जो काला दिवस मनाया जा रहा है, अगर इसमें कहीं नेतृत्व ने डिरेल किया और अपने फायदे के लिए अगर इसको बढ़ाया तो फिर वही कहानी दोहराई जाएगी जो पहले से 51 साल से होती आ रही है। इसमें यही लग रहा, एक जो बात कभी किसी दौर में अंग्रेजों के लिए कही जा रही थी कि सिडको चले जाओ, अब ये बात नोइंबई में खुले तौर पे उठ रही है। विधानसभा में गणेश नाइक जी ने, आपने खुद सुना होगा कि उन्होंने कहा कि भाई सिडको अभी फ्री करो, सिडको को नोइंबई से, अभी इसका जो विकास का कार्य था, शहर बसाने का काम था, वो हो चुका है। आप क्या मानते हैं कि क्या अभी सिडको को यहाँ रहने की ज़रूरत है, जबकि एक व्यवस्था जो है नागरी सुविधाओं को लेकर नोइंबई महानगर पालिका ने अपनी जिम्मेदारी एक तरह से संभाल ली है, ऐसे में आपको लगता है कि अब नोइंबई से सिडको को जाने का वक्त आ गया है या उसे चले जाना चाहिए? आपको मैं एक पीछे ले जाऊंगा, जब सिडको यहाँ पर थी तभी झोपड़पट्टी की जो संख्या थी हमारी बहुत ही कम था। अच्छा, बहुत ही कम, 5,000-6,000 कुछ हो पूरे नोइंबई में। हाँ, पूरे। अच्छा, और जैसे ही पालिका आ गया, कॉर्पोरेशन आ गए, इतने फास्ट झोपड़पट्टी बढ़े कि 40,000, 50,000, 60,000, 60,000 से ऊपर है, 60,000, मोर देन 60,000। यस, आज जो लोग कह रहे हैं कि सिडको को भगा दो, कल बोलेंगे एमआईडीसी को नहीं, यहाँ से निकाल दो, अभी एमआईडीसी का सब फैक्ट्री बन गया, एमआईडीसी निकाल दो। क्यों निकालना है? MIDC is an industrial corporation. Yes. उनका industrial area administer करना उनका काम है। उनका government wing है। Yes, yes. Similarly, Sidco is a government wing. अगर Sidco ने सब शहर handover किया, जिधर जिधर development पूरा हो गया handover किया, आप ये बोलो कि आपने पालिका ताबे में लेके आज तक एक draft development plan तैयार नहीं कर पाए, नहीं कर पाए, approve नहीं करा पाए। Yes. Approve नहीं हुआ अभी तक। क्यों चाहिए? क्यों नहीं approve हुआ? बिकॉज आपको अपने हाथ में चाहिए कि उसका चेंज ऑफ यूज करते रहे जब जैसा मन चाहे तो। और ये अलाउ नहीं होना चाहिए, देयर शुड बी अ ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान। और सिडको से सब टेक ओवर करके किसके हाथ में देना है आपको? इन्हीं के हाथ में। यस, जो एक मेडिकल कॉलेज हमको नहीं दे सकता। यस, जो एक जो अपनी जमीन को दूसरे प्राइवेट कंपनी को देने, हॉस्पिटल दिया हमने, दे दिया प्राइवेट को, 50% हॉस्पिटल दे दिए, मतलब उनका, अगर इनसे बात करेंगे तो इन लोग, इनका अच्छा पॉइंट खराब पॉइंट, बट इंडिया में कहीं पर भी ये आपको एग्जांपल नहीं मिलेगा। यस सर, एक सिविल हॉस्पिटल 50% प्राइवेट को बेचा, इसे प्राइवेट को बेचा गया हो, और अभी ये बेचा बोलेंगे नहीं, ये बोलेंगे आपने लीज में दिया, लीज कितना? 53 इयर्स, आपका टर्म 5 इयर्स का, आपने 53 इयर्स का सौदा कर दिया। यस यस यस, तो ये सब चीज इनका गलती है, ये मानेंगे नहीं, ये लीडरशिप है, इनके हाथ में पावर है, लेकिन पावर को इन्होंने बहुत बुरी तरह मिसयूज किया, और इसका
नतीजा इनको मिल रहा है कि इनको हर इलेक्शन में मेहनत करना पड़ रहा है यस, इतनी सारी चीजें होने के बावजूद भी। कमिंग बैक टू सिडको, ये सब झगड़ा लगवा रहे हैं सिडको ने। अच्छा, अगर सिडको फुल प्लानिंग से किया, अभी आप बोलेंगे अभी सिडको हटाओ करके जो मुहिम चल रहा है, ये इसलिए चल रहा है ताकि इनको अभी अपने मर्जी से सब करना है, अपनी मर्जी चला सके। और सिडको इज अ वेरी एफिशिएंट बॉडी, और सिडको का अनुभव हम लोग यूज करना चाहिए, बट एट द सेम टाइम सिडको में भी ऐसे अधिकारी चाहिए जिसमें दे आर ओपन माइंडेड टू द मिस्टेक। सिडको ने एक्चुअली आज तक ये तैयार करना होता था द मिस्टेक्स ऑफ बिल्डिंग अ न्यू सिटी। बिल्कुल, एक नया शहर बनाते टाइम क्या गलतियां हुई, क्या अच्छाइयां हुई, खाली हमारे खुद का ये वाहवा करते बैठेंगे तो आप सीखोगे नहीं कुछ, असेसमेंट नहीं हो रहा है, गलतियां कहां हो रही हैं, कुछ भी नहीं, और आज भी उसको लेकर कहीं गंभीरता नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल। सर, अगर सिडको और महानगर पालिका दोनों को देखा तो ये नगर विकास मंत्रालय के अधीन आता है और एक तरह से इनडायरेक्टली ये मिनिस्टर जो चीफ मिनिस्टर होता है उसके अंडर में आता है। अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर ऑलरेडी एकनाथ शिंदे हैं। आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं सिडको सिर्फ फ्रंट फुट पर है लेकिन बैकग्राउंड में जो खेल खेला जाता है वो कहीं ना कहीं नगर विकास मंत्रालय का होता है? होता है ना, होता है। अभी आपको एक छोटा एग्जांपल देता हूं मैं। हमारे वाशी में सेक्टर 17 बहुत ही वेल प्लान्ड सेक्टर है, बहुत ही अच्छा से रखा हुआ सेक्टर है, एक ब्यूटीफुल गार्डन है, दो गार्डन, एक प्लेग्राउंड, एक गार्डन है, और गार्डन में एक विरंगुला केंद्र है। हाँ, सीनियर सिटीजन्स का एक विरंगुला केंद्र बन रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन। अभी वहाँ का एक स्थानीय नेता अनिल कौशिक जी ने उसका विरोध किया है, सेइंग दैट गार्डन शुड बी प्योरली गार्डन, उस पर कोई स्ट्रक्चर होना नहीं होना चाहिए। हाँ, हालांकि ये विचार बहुत अच्छा है कि गार्डन शुड बी गार्डन, गार्डन में जितना स्ट्रक्चर है, आजकल क्या जिम भी, ओपन जिम भी डालते हैं उसमें। हाँ, यस, कोई जानवर का स्टैचू भी लगाते हैं, बहुत कुछ डाल रहे गार्डन में। हाँ, विरंगुला केंद्र भी ऐसा ही बन गया है, नवी मुंबई में बेलापुर से लेके दीघा, हाँ, तमाम जगह पे, सनपाड़ा में, नेरुल में ये बना हुआ है। उधर का जो स्थानीय कॉर्पोरेटर संपत छे बड़े वो बना रहे हैं, तो सिर्फ उनका विरोध करने के लिए ये इसको बंद कराने का पीछे अनिल कौशिक है। अभी इसमें हम लोग ये बहस नहीं करेंगे सही है कि गलत है, यस, सही। कौशिक का स्टैंड ये है कि गार्डन शुड बी गार्डन, एनवायरमेंटली इट इज करेक्ट। संपत शिवालय का कहना है कि अगर आपने हर गार्डन पे बनाया सीनियर सिटीजन के लिए तो सेक्टर 17 का सीनियर सिटीजन ने क्या पाप किया, यस, क्या उनको ये फैसिलिटी मिलना नहीं चाहिए? तो दोनों का आर्ग्यूमेंट स्ट्रांग है, बट इसमें रोल कौन खेला? अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने। आज महाविकास आघाड़ी सरकार बन गया करके अनिल कौशिक पहुंच सका मिनिस्टर के पास, एकनाथ शिंदे के पास, एकनाथ शिंदे ने स्टे दे दिया, काम रुका हुआ है। अगर अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर ये ऐसे कामों में रोक लगा सकता है तो कंस्ट्रक्टिव कामों में क्यों नहीं इंटरफेयर करता? अगर हॉस्पिटल बनाना, मेडिकल कॉलेज बनाना, इसमें क्यों नहीं इंटरफेयर करते? बिल्कुल, ये छोटे छोटे चीज जिधर कमिश्नर ने डिसीजन ले सकता है और उसी का अधिकार क्षेत्र में भी है। और वो अगर आपने पूरे न्यू बॉम्बे में विरंगुला केंद्र दिया तो सेक्टर 17 के सिटीजन को कैसे आप वंचित करें? बिल्कुल। कौशिक जी कह रहे हैं कि वो उधर नहीं होगा तो और कहीं बनाओ, लेकिन कहाँ बनेंगे जब सब जगह गार्डन पे ही बना है, जहाँ सीनियर सिटीजन जाते हैं शाम को मिलने बैठने, तो उनको बनाना चाहिए। ऑलरेडी पहले से बना हुआ है, हर जगह बना हुआ है। मेरा ये कहना है कि अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर का जो इंटरफेरेंस है, अगर पॉलिटिकल काम के लिए अगर यूज किया जाए तो पब्लिक का कोई फायदा होने कोई फायदा होने वाला नहीं। अगर वो पब्लिक के काम के लिए, अगर अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर बोले कि हाँ पालिका के पास 800-900 बेड्स है तो एक मेडिकल कॉलेज इनका होना ही चाहिए, जबकि ये टाइम आपके बजट में आप देखो पालिका में पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के लिए परमिशन दे दिया, यस, लेकिन मेडिकल कॉलेज नहीं। ये आप खाली प्राइवेट पर, अब ये गलत है कि अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आए तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का कुछ नुकसान होगा? कोई नुकसान नहीं होता। कहीं पर भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज अपनी जगह है और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज होना एक सिटी के लिए एक अपना एक गर्व की बात है। यस यस, वी शुड हैव अवर ओन मेडिकल कॉलेज। कभी जैसे ये एपिडेमिक आया ये कोरोना का, ऐसे टाइम में इसी कॉलेज के बच्चे काम आते हैं। बिल्कुल, बहुत बड़ा संकट, कल सब लोग कहीं भूकंप हो गया, अर्थक्वेक हुआ, फ्लड हुआ, ये हुआ, इमरजेंसी वायरल फीवर हुआ,
या कोई बड़ा एक्सीडेंट कहीं हुआ, इमीडिएटली हमको अगर जरूरत पड़ेगा एक सिविल हॉस्पिटल बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा काम करता है। और हमारे बच्चे अगर स्थानीय बच्चों को प्रेफरेंस देके अगर कॉलेज हो जाए इधर, तो न्यू बॉम्बे सिटी के लिए एक अच्छा होगा, अच्छा होगा बिल्कुल। तो वैसे ही होना बहुत जरूरी है, जिसको ये प्लानिंग का अभाव वापस। और अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर, आपने जो मुझे सवाल किया उसका उत्तर ये है कि उनको और कंस्ट्रक्टिव काम में दिलचस्पी लेके थोड़ा सा ध्यान देके बहुत कुछ काम यहाँ हो सकता है, हो सकता है। सर, जैसा अधिकारियों के बारे में अक्सर कहा जाता है सिडको के, कि ये लोग पब्लिकली नहीं मिलते, लोगों की समस्याएं नहीं सुनते, प्रकल्पग्रस्तों की नहीं सुनते, और जो उनको लीडर हैं वो आपस में समझौता कर लेते हैं, तो इसमें न्याय की उम्मीद कब तक है? क्या लग रहा है, अभी 51 साल गुजर गए हैं, अभी और भी दूसरी पीढ़ी तीसरी पीढ़ी भी जाएगी, न्याय के लिए ऐसे ही संघर्ष चलते रहेंगे? ऐसा संघर्ष चलेगा कि नहीं चलेगा ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन इतना है कि हम लोग की जो ब्यूरोक्रेटिक व्यवस्था है उसको बदलना बहुत जरूरी है। आज भी हमारे जो IAS ऑफिसर्स है उनको अभी भी लगता है कि ब्रिटिश स्टाइल में ही फंक्शनिंग करना, कि लोगों से दूर रहना और खाली लीडर लोगों को एंटरटेन करना, पब्लिक में नहीं जाना। हमारे पास एक थोड़े टाइम के लिए मुंडे साहब आए, मुंडे साहब आए थे, मैं जिक्र करना चाहता था, आपने नाम ले लिया। आप लोग जो मुंडे साहब ने जो डायरेक्ट पब्लिक को मिलना शुरू कर दिया, काफी लीडर लोगों को बुरा लगा, बुरा नहीं वो अस्वस्थ हो गए, और यहाँ तक कि कुछ लीडर तो पालिका आना ही बंद कर दिया। बिल्कुल, ऑफकोर्स मैं मुंडे का ब्यूरोक्रेसी का पूरा समर्थन नहीं करता, जबकि वो एक ब्यूरोक्रेटिक इज एन ऑफिसर, ही शुड लर्न टू रिस्पेक्ट द लीडर्स आल्सो। मैंने लीडरों को भी रिस्पेक्ट करना जरूरी है, तुम सबको आरितुरी करके नहीं चलेगा। मुंडे जी पब्लिक का फेवर जीतने के लिए वो लीडर लोग को नेग्लेक्ट कर दिया, नहीं इंसल्ट कर दिया। अपने स्टाफ में भी कुछ लोगों को इंसल्ट करता था, विच वॉज रॉन्ग। मेरा कहना यह है कि ब्यूरोक्रेट शुड नॉट थिंक दैट दे आर ब्रिटिश ऑफिसर्स, उन लोग हमारे बीच का ही कोई है, तो हमारे बीच के लोगों के साथ बातचीत करना, टू बी ओपन टू देम, ये नया ब्यूरोक्रेसी का जरूरत है इस देश में। यस यस, अगर हम लोग अभी भी वो आयरन कर्टन वाला ब्यूरोक्रेसी को जारी रखेगा तो ये संघर्ष हर जगह पे होते रहे, और ये संघर्ष को अगर रुकाना है द बिगेस्ट द ओनली सॉल्यूशन मेरे हिसाब से, वी नीड मोर सोशल माइंडेड ब्यूरोक्रेट्स। हमारे पास था एक प्रेम सिंह मीना करके था, हाँ प्रेम सिंह मीना, हाँ ये जो अभी प्रवीण परदेशी गए ना, हाँ, जो हाँ, इतने टॉप पोस्ट पर ये प्रवीण परदेशी हमारे पास थे कमिश्नर करके, अच्छा वो टाइम सेक्रेटरी हो गए, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, हाँ ही वाज, वो अभी यूएनओ में, यस। तो प्रवीण परदेशी हमारे पास था, प्रेम सिंह मीना थे, मुंडे का 50% अच्छा ही था, तो ये सब अधिकारी थे। लेकिन आज फॉर एग्जाम्पल आई एम वेरी सॉरी टू से कि अभी का जो कमिश्नर है अभिजय बंगर बहुत मेहनत कर रहे हैं कि नवी मुंबई को नंबर वन में लाने की सफाई में, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप रिकॉर्ड निकाल के देखोगे सबसे मैक्सिमम एनक्रोचमेंट इनके राज में हुआ, इनके टाइम में हुआ, यस। और इनके काम में क्योंकि उधर नेग्लेक्ट हो गया, नेग्लेक्ट हो गया बिल्कुल, नंबर वन आने के चक्कर में बहुत से सिविक वर्क्स आर बीइंग नेग्लेक्ट, यस। और उनके अधिकारी भी ये सब चीज का फायदा उठा रहे हैं कि हम लोग सर्वेक्षण में बिजी है, हां यस यस, उनको उनके बहाना है कि भाई हम तो काम में लगे हुए हैं सर्वेक्षण के। ये जो संघर्ष आप बात कर रहे हैं, जब पब्लिक से ब्यूरोक्रेट दूर हो जाता है, टूट जाती है वो रिलेशन, अगर कायम सोशल जो वेवलेंथ अगर नहीं रहेगा तो पब्लिक में क्या ये जो भड़काव वाली बात है ये कायम रहेगा, और लीडर लोगों को उसी में मजा है, लीडर लोग इनको यूज करेंगे। आज सर मुद्दा जो जब आपसे पहले दशरथ भगत जी थे उन्होंने कहा कि ये सिर्फ जो सिडको का न्याय हुआ है सिर्फ भूमिपुत्रों के साथ और स्थानीय लोगों के साथ नहीं है, बल्कि उनके साथ भी हुआ है, जो लोग यहाँ पर मकान और जमीनें खरीदे हैं उनको भी सिडको ने लीजपुत्र बना के रख दिया है, उनको भी मालिकाना हक नहीं दिया है, अब उनको भी अपने लिए, जैसे आपने खुद देखा होगा कि स्टेशनों की जगह जो है वो पार्किंग की जगह जो थी, जो नोएंबे की सबसे बड़ी खूबसूरती थी कि यहाँ पार्किंग की अच्छी व्यवस्थाएं, वहाँ पर बिल्डिंगें बन रही हैं, अभी जो खाली भूखंड थे वहाँ पर तो बिल्डिंग बनी रही हैं, जो यूटिलिटी प्लॉट्स थे उनका चेंज आप यूज करके जमीनें सिडको बेच रही है, तो आपको लगता है क्या कि जो ये मुद्दा उठा है कि सिर्फ ये प्रकल्पग्रस्तों की लड़ाई नहीं है बल्कि अब सबकी लड़ाई हो गई है, जिनका यहाँ पर जमीन है, जिनका यहाँ पर घर है उनके साथ भी अन्याय रहा, उनको भी 60 साल के बाढ़े पर ही रख दिया गया, तो ये लीज पुत्रों के साथ भी अन्याय नहीं है? ये सब्जेक्ट टोटली आप लोग ऑफ ट्रैक जा रहे हो, अच्छा, बिकॉज दिस इज नॉट अ सिडको इशू,
दिस इज अ स्टेट गवर्नमेंट इशू, ओके, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का इशू है। अच्छा, और ये जो स्टेशन में बिल्डिंग्स बनाना, ये सब प्राइम मिनिस्टर आवास योजना की आवास योजना के तहत है, बिल्कुल। तो ये सब स्कीम्स गवर्नमेंट की हैं, गवर्नमेंट, और हम लोग सिडको को अटैक कर रहे हैं। सिडको को सुनना ही है, दे आर गवर्नमेंट, 100% गवर्नमेंट बॉडी। और दर्शक भगत और ये संघर्ष इन लोगों का, दे शुड टेक गवर्नमेंट टू द राइट ट्रैक। स्टेट गवर्नमेंट, दर्शक जी ने बताया मेरे ख्याल से कि स्टेट गवर्नमेंट का, यस यस, उन्होंने कहा कि ये सिडको तो सिर्फ फ्रंट पे है, असली कहानी तो स्टेट गवर्नमेंट की है। यस, स्टेट गवर्नमेंट हैज टू लुक आफ्टर दिस। और ये जितने भी गलतियां हो रही है प्राइम मिनिस्टर आवास विकास योजना में, आप मास हाउसिंग सिडको का, अफोर्डेबल हाउसिंग ऐसी जगह पे ला रहे हो और पूरा एरिया का शोभा बिगड़ जाएगा। बट अगर उनको ठीक लगे, दे शुड जस्टिफाई इट कि हम लोगों को बताएं ये क्यों इधर किया, ताकि इवन गरीब लोगों को अफोर्डेबल हाउसिंग में जो वर्ग आते हैं उनको भी स्टेशन नजदीक रहे, ट्रेवलिंग ट्रांसपोर्ट उनको आसानी से मिले। उनके लिए अगर कर रहे हैं तो आप उसको जस्टिफाई करो ना। यस, विदाउट जस्टिफाइंग आप डायरेक्ट मास हाउसिंग हर जगह स्टेशन के बगल में दे दोगे, लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि यहां पे क्यों बन रहा है। नहीं, और बनाए तो उसके साथ आपने मार्केट दिया नहीं, दिया पार्किंग कहां गई, पार्किंग क्या करोगे, मल्टीपल लेवल मार्केटिंग की बात हम लोग 20 साल से कर रहे हैं, एक भी कर नहीं पाए, एक भी नहीं बनी, मल्टी लेवल पार्किंग बनी नहीं पाई, वी कैन नॉट डू इट। तो ये सब चीज को ध्यान में रखते हुए सिडको का ये जो कभी कभी संघर्ष जो होता है ना, ये लोगों को मिसगाइड करके दूसरा डायरेक्शन ले दिया। और सबका अपना अपना मकसद रहता है, कोई लीडर लोग को सिडको से कुछ लेने का रहता है तो सिडको के खिलाफ मोर्चा निकालो। अरे ये मोर्चा तुम स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ निकालो। अभी गणेश साइकिल जी ने एक मुद्दा उठाया कि अब जमीनों को फ्री कर दो और जो गौठान है उनकी जमीनें, जो स्थानीय रहवासी हैं उनको दे दो आप, जो MIDC की जमीनें हैं जहां झोपड़ियां बनी हैं उनको जमीन दे दो। और ये जैसा कि लीज पुत्र की जो अभी बात चल रही है कि जहां जिनकी जमीन है, जिन्होंने खरीदा है आपसे एग्रीमेंट किया है, उसे लीज की बजाय आप उसे मालिकाना हक दे दो, आप इसे कितना जस्टिफाई करते हैं? नहीं, मालिकाना हक देना जरूरी है, ऐसा वाली नहीं होता है। वो अगर वो गवर्नमेंट पॉलिसी अगर बना दे दिया जाए तो एट स्टेट लेवल इट कैन बी डन। यस, हर जगह पे है फ्री होल्ड लैंड, तो इधर भी हो सकता है। यस, हां, गौटन की बात है तो वो उनका ही जमीन है, इट इज फ्री होल्ड, इट इज नॉट लीज होल्ड। गौटन का जो जमीन है इट इज लीज होल्ड, बट उनके गर्जे पोटी बनाया हुआ घर उसको रेगुलराइज करना। अगर आप 60,000 स्लम्स को रेगुलराइज कर सकते हो तो गौटन का जिनका जिन्होंने अपने पुश्तैनी जमीन पे घर बनाया, घर बनाया, तो उसको आप रेगुलराइज नहीं कर सकते, और वो भी आपकी गलती से, बिकॉज एज पर रूल एवरी 10 ईयर्स 200 मीटर तो गांव का बॉर्डर पड़ती है। yes, yes, जब तक आप अपना पूरा प्लानिंग नहीं करते, शहर नहीं बसाते, तब तक वो जगह आपने वो जगह दिया नहीं। तो अगर उन्होंने बनाया उनको रेगुलराइज करने में, जब झोपड़पट्टी आप रेगुलराइज कर सकते हैं, तो इनका मूल स्थानिक लोगों का क्यों नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? और ये मैं आपको फिर भी बताऊं, ये इधर का लीडर का फेलियर है जो आज तक वो दिलवा नहीं पाए। अच्छा, हर 5 इलेक्शन, हर 5 साल में इलेक्शन का मुद्दा बनता है, हर बार बनते रहा है। वेदर रूलिंग पार्टी, गणेश नाइक भी हमेशा रूलिंग पार्टी में ही रहा हूँ। yes, अभी वो ऑपोजिशन में है, लेकिन yes, वो रूलिंग पार्टी में रहे हैं, और पावर इस सिटी का उसके उनके हाथ में था, लेकिन कभी कुछ हुआ नहीं, क्यों नहीं हुआ? इसका जवाब उनको देना जरूरी है, बिल्कुल। एंड फ्री होल्ड लैंड क्यों नहीं दे सकते? इट्स अ गवर्नमेंट रेवेन्यू डिपार्टमेंट का एक पार्ट ऑफ देयर जॉब है। yes, yes, अगर थोड़ा स्टडी करके कर सकते हैं। अगर सिडको को लीज होल्ड देना तो भी एक कंडीशन, उसमें कंडीशन रख सकता है कि आफ्टर 60 इयर्स 99 इयर्स ये ऐसा ट्रांसफर होगा करके। लेकिन गौटन वालों का प्लॉट रेगुलराइज नहीं करना, उनको प्रॉपर्टी कार्ड नहीं देना अभी तक, इट इज वेरी रॉन्ग, ये बहुत ही गलत है। और रही बात MIDC एंड इंडस्ट्रियल प्लॉट्स का, जहाँ झोपड़पट्टी बनाए, झोपड़पट्टी के लिए हमारे पास SRA स्कीम है, और वो स्कीम्स को अगर इम्प्लीमेंट आप नहीं करोगे, उसमें भी आप देखोगे कि किसका बेनिफिट किधर होता है। SRA स्कीम फेलियर ऑफ द अर्बन डेवलपमेंट, क्यों नहीं हो रहा है? 60,000 स्लम्स को आपको रेगुलराइज करना, अगर आज नहीं करोगे इन अनदर 10 इयर्स 1 लाख हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा। आज जो ढंग से एंक्रोचमेंट हो रहा है MIDC में और सिडको की जगह पे, एवरी डे एंक्रोचमेंट, दिस विल एंड 1 लाख स्लम्स होगा तो इट विल बी अ वेरी मेजर प्रॉब्लम, मुंबई शहर जैसा हालत खराब हो जाएगा। हमारे आरोग्य डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो स्ट्रेन बढ़ेगा, आरोग्य डिपार्टमेंट पूरा कोलैप्स हो जाएगा। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, पानी है, बिजली है, दूसरी व्यवस्थाएं एकदम डिस्टर्ब हो जाएंगी। एंड वी आर लिविंग इन एन एरा ऑफ पैंडेमिक। यस, ये पैंडेमिक का और
हम लोग उनको एक एनकरेजमेंट मोटिवेशन दे रहे हैं तो उसका वी विल ऑल बी गिल्टी, हम लोग सब इसका जिम्मेवार रहेगा। हम लोग जो लीडरशिप को चुनते हैं, हम लोग जो आवाज साइलेंट बैठते हैं, हम लोग आवाज नहीं उठाते, ये सब चीज का असर तो पड़ेगा इस शहर। एंड आज का दिन तो बहुत अच्छा दिन है, सिडको का अच्छा बोलने का दिन है, लेकिन एक आपका ये जो प्रयास है मेरे को बहुत अच्छा लगा कि आप कम से कम लोगों से बुलवा रहे हो कि क्या गलतियां हो गई। आप मुझे तो, मैं तो एक ऐसे पत्रकार, मेरा छोटा अखबार है, उसका रीच उतना नहीं है, लेकिन फिर भी आपके चैनल माध्यम से मुझे ये बोलने का संधि मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा। सर ये मेरे ख्याल से इसके ऊपर पत्रकारों ने रेगुलरली डिबेट करना बहुत जरूरी है, और एक वाइट पेपर गवर्नमेंट को प्रेजेंट करो कि अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर अभी हमारे शहर के लिए क्या कर सकते हैं, हमारे कमिश्नर क्या कर सकते हैं, सिडको क्या कर सकती है, MIDC क्या कर सकते हैं। एंड अभी तो MMRDA का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है। यस सर, आपने बहुत बढ़िया बात कही, मैं उस पर आना चाहता था, आपने अच्छा हुआ उसका जिक्र कर दिया कि एक वाइट पेपर बनना चाहिए। ये बहस का मुद्दा है निश्चित तौर पर, हम ऐसा हमारा ये हमारी जो कोशिश है ये है कि दोनों पहलू सामने आए, अगर कुछ कमियां हैं तो उसका समाधान कैसे हो सकता है ये सिडको को बताया जाए, और सिडको के जो अधिकारी हैं या जिसके ये अंडर में ये राज्य सरकार के अधीन काम कर रही है, राज्य सरकार भी इस पर गंभीरता से सोचे कि आखिर ये इतनी लंबी समस्याएं क्यों चली आ रही हैं, और निश्चित तौर पर अगर समाधान नहीं होगा तो ये और विकराल होंगी। आपसे एक आखिरी सवाल सर मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सुझाव आप देना चाहते हैं कि सिडको को कि ये जो विवाद है वो खत्म हो जाए और सिडको की भूमिका जो है निष्पक्ष हो जाए। मैं तो यही कहूँगा कि सिडको के अधिकारी जो है, जो मेनली MD संजय जी, संजय मुखर्जी जी, उनके साथ जो एडिशनल MD वगैरह हैं, उन लोग डायरेक्टली लोगों के साथ चर्चा करें, दे टॉक टू द पीपल डायरेक्टली। अगर उनको लगता है कि दे आर जस्टिफाइड, उन लोग ने अच्छा स्कीम लाके दिया है इनको, तो स्कीम का पूरा बेनिफिट लेने का जो अपील करते हैं वो डायरेक्ट पब्लिक से करें। अच्छा, ये लीडर और ये सब चीज का तो लीडर लोग भड़काते रहेंगे उनके फायदे के लिए। Yes, तो आप डायरेक्टली लोगों से बात करो ना। मैं सोचता, मैं मुझे लगता है कि मुंडे साहब का एक अच्छा पहलू ये है कि वो डायरेक्ट संवाद करते थे, ये संवाद हो जाए तो बहुत फर्क पड़ेगा। अभी आपको मैं एक बात बताऊं, सिडको का जो चीफ था ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन प्लानर, जो मेन बॉस था RC जा करके, आपने मैं सुन रहा आपसे, RC जा चीफ ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, उस आदमी ने अहमदाबाद में जो गिफ्ट सिटी है ना, गिफ्ट सिटी, हाँ यस, पूरा उन्होंने बनाया। अच्छा, मतलब अहमदाबाद में गिफ्ट सिटी बनाने में सिडको का एक बेहतरीन ऑफिसर को उठा के ले गया और उन्होंने बनाया। RC सिन्हा हमारे यहाँ मैनेजिंग डायरेक्टर थे। आपको बताओ उनका जो प्लान था, उन्होंने मेरे साथ पर्सनली ये बात कम्युनिकेट किया कि खारघर को, he wanted to make Kharghar a lake city. Lake city मतलब on the pattern of Paris. अच्छा। Paris जैसा एक lake city जहाँ बहुत से water bodies होंगे और उसका utilize करने का steel water bodies का furniture होगा and लोग आके बैठेंगे शाम को and not one, several water bodies he had planned in Kharghar. आज वो सब गायब हो गए पूरा। मतलब कुछ अधिकारी लोगों ने इधर आके अच्छा करना चाहा, लेकिन उनको फॉर सम पॉलिटिकल रीजंस दे वर रिमूव्ड, नहीं कर पाए वो। एंड एक चीफ प्लानर एक लड़की थी उमा करके, है अभी, शी इज नॉट इन सिडको एनीमोर, बट शी इज अ वेरी एफिशिएंट प्लानर, आज MMRDA का चीफ प्लानर है। अच्छा, उमा करके, शी इज द चीफ प्लानर इन MMRDA का पूरा MMR रीजन का जो प्लानिंग कर रही है वो कर रही है। सिडको ने अच्छे अधिकारियों को चलने नहीं दिया गया, सिडको के कहीं ना कहीं पॉलिटिकल प्रेशर रहा है, पॉलिटिकल मैनिपुलेशन रहा है इस बात को लेकर, बहुत रहा है इधर। एंड अगर ये चीज को अगर अलग रख सके इसे, तो मेरे ख्याल से सिडको कैन डू वंडर्स। सिडको का 51 बर्थडे सेलिब्रेट करते टाइम वी कैन लुक फॉरवर्ड टू मोर बेटर सिटीज ऑल ओवर महाराष्ट्र, और अच्छे सिटीज। लेकिन इसमें चौथा स्तंभ करके पत्रकारों का एक बहुत बड़ी भूमिका है, अगर आप जैसे लोग नए पत्रकार लोग ये चीज को महत्व अगर समझे तो हमारा भी रोल है कि हमारा एक दायित्व बनता है कि हम लोग अभी हम सीनियर लोग हम लोग करके जितना कर सके हम लोग अपने टाइम में जो फैसिलिटी से वो हिसाब से कर पाए, लेकिन मुझे लगता है कि
हम लोग ऑल जर्नलिस्ट कमिंग जर्नलिस्ट शुड प्ले अ मोर प्रोएक्टिव रोल और प्रोएक्टिव रोल इस पे करना चाहिए और सिडको के ये पॉइंट्स पे उनका ध्यान लाना चाहिए उस खास पॉइंट पे। नहर साहब बहुत बहुत थैंक यू, आपने हमारे लाइव सेशन में आपने हिस्सा लिया और वो तमाम अहम बातें आपने बताई जो सिडको के लिए इस वक्त बेहद ज़रूरी है और ख़ासकर उन प्रकरणग्रस्तों के लिए जो गलत नेताओं के निर्देशन में या उनके नेतृत्व में अपने लिए आंदोलन कर रहे हैं। शायद यही वजह है, कुछ खामियां जरूर हैं जिसकी वजह से आज प्रकरणग्रस्तों को 51 सालों से अगर न्याय नहीं मिल पाया तो निश्चित तौर पर यह भी सोचने की बात है। और जो खामियां सिडको की हैं तो वहाँ पर गंभीरता से इसको समाधान के लिए इसके प्रयास करने की ज़रूरत है। अभी आप देख रहे थे वरिष्ठ पत्रकार विश्वनाथ नायर साहब से हमारी बातचीत चल रही थी। आप यहाँ के 50 सालों के विकास को आपने बहुत ही नज़दीक से देखा है और सिडको की प्लानिंग, सिडको की भूमिका, सिडको की कार्यप्रणाली, अधिकारियों की मानसिकता, प्रकरणग्रस्तों की समस्या और यहाँ के नेतृत्व की क्षमता और उनकी विचारधारा, उनकी मानसिकता, उनकी भूमिका को आपने यहाँ पर बयान किया। हम उम्मीद करते हैं कि आपको नायर साहब की ये जो सूचना है, जो जानकारी उन्होंने साझा की है, निश्चित तौर पर काम आएगी और सिडको के जो वरिष्ठतम अधिकारी हैं या जो राज्य सरकार के जो उच्चतम अधिकारी हैं, अगर इसे आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप तक अगर ये बात जा रही है तो आप नई पहल शुरू कर सकते हैं। और सबसे अहम बात आपने जो कही कि जो पत्रकारिता है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, अब उसे सिर्फ लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिखने के साथ साथ आपको अपनी भी भूमिका निभानी है कि सिडको से जुड़ी हुई या यहाँ के नागरिक समस्याओं से जुड़ी हुई, यहाँ के नागरिकों से जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान हो सके। नायर साहब आप आए, बहुत बहुत आपका थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। इस लाइव सेशन को हम आगे भी जारी रखेंगे, हमारे साथ और भी अभी जल्द ही पैनलिस्ट जुड़ने वाले हैं। तब तक मैं आपको फिर से एक बार रिवाइव कर देता हूं जो अभी नए नए जुड़े होंगे हमारे चैनल से। सिडको की स्थापना इस मकसद से हुई थी कि मुंबई की जो भीड़ है, मुंबई का जो निवासी हैं वहाँ पर जो भीड़ बढ़ती जा रही है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर और नागरिक सुविधाओं पर जो तनाव बढ़ते जा रहा है उसको कम किया जाए और एक बेहतर सिटी का निर्माण वो 34 से 35 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर के परिक्षेत्र में 95 गांव की ज़मीनों को अधिग्रहित कर इस सिटी का विकास हुआ। और यहां पर सिडको ने अपने हिसाब से तमाम नागरिक सुविधाएं इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की कोशिश की ताकि यहां के नागरिकों का, यहां के रहवासियों का जीवन मान उच्चतर हो सके, उनको सुख सुविधा मिल सके और यहाँ पर वो उत्थान कर सके। जैसा कि सिडको के नाम में कहा गया कि सिटी और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, शहर और उद्योग बसाने वाली ये संस्थान है जो राज्य सरकार ने इसकी स्थापना की। सिडको को एक ऐसा माहौल यहाँ पर तैयार करना था जिसमें उद्योग, व्यापार और नागरिकों का रहन सहन सबका उत्थान हो सके, सबके लिए रोजगार का अवसर मिले, सबके लिए आवास का अवसर यहाँ पर मिले और इस सिटी की पहचान नए दौर की सिटी के हिसाब से हो। यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर तमाम बातें पूरी देश दुनिया में वैसे भी मशहूर हैं। दो प्राधिकरण यहाँ पर काम कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, एक सिडको जिस जो यहाँ की प्लानिंग अथॉरिटी थी पहले, और यहाँ पर नागरिक सुविधाओं को लेकर महानगर पालिका, नई मुंबई महानगर पालिका काम करती है। जो यहाँ का इंडस्ट्रियल बेल्ट है उसके लिए MIDC महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन काम करता है और जो नई मुंबई से लगा हुआ इलाका है वो MMRDA के क्षेत्र में है, जो नई चीज़ें जो बनाने की और नए विकास के लिए जो संभावनाएँ तलाशने का काम चल रहा है। ये तमाम विकास और परियोजनाओं के बीच जो सबसे बड़ी समस्या है जिसको लेकर आज इस डिबेट की ज़रूरत पड़ी, इस लाइव सेशन की हमने ज़रूरत समझी और हम नई मुंबई के जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जो प्रबुद्ध नागरिक हैं या किसी भी संस्था से या समुदाय से जुड़े हुए हैं और जिनको इस सिटी का अनुभव है, कानूनों का अनुभव है और यहाँ की समस्याओं के बारे में जिनको जानकारी है, हमारी कोशिश है कि हम उनके जरिए इन समस्याओं के समाधान के लिए कोशिश कर सकें। हम इस कोशिश में कितने सफल होते हैं ये तो मैं दावा नहीं कर सकता, लेकिन इतना ज़रूर है कि हम आपकी समस्याओं को लेकर, अपनी समस्याओं को लेकर हम जो पहल कर रहे हैं इसमें निश्चित तौर पर समाधान की गुंजाइश है। हम अगले सेशन में अपने नए जो हमारे नए पैनलिस्ट हैं उनसे हम जल्दी ही आपसे रूबरू करवाएंगे और फिर हम उनसे जानेंगे कि जो सिडको की भूमिका है और जो आज आंदोलन चल रहा है प्रकल्पग्रस्तों का, काला दिवस आंदोलन, सिडको चले जाओ का जो नारा दिया जा रहा है वो कितना उचित है और जो सामान्य लोग हैं जैसे अभी दशरथ भगत जी जो प्रकल्पग्रस्त नेता हैं, अब हमारे वरिष्ठ पत्रकार विश्वनाथ राय नायर जी ने जो कहा सिडको की भूमिका रखी है, कुछ भूमिकाएं नकारात्मक भी हैं, कुछ भूमिकाएं बहुत स्पष्ट तौर पर सकारात्मक हैं, क्योंकि ये शहर दुनिया भर में मशहूर इसलिए हुआ कि क्योंकि यहाँ पर इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन कमियाँ ज़रूर हैं। उन कमियों का असर कितना सामान्य लोगों पर पड़ रहा है,
जो यहाँ के प्रोफेशनल लोग हैं उनके ऊपर कितना पड़ रहा है, ये अगले सेशन में हम आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। हम अपने एक्सपर्ट लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि इसका समाधान क्या है। आप देखते रहिए खबरों का नया अड्डा, टीवी पर इंडिया।